सत्युग में आप सभी का स्वागत है। आइए सत्युग में क्या कारोबार चलता है, वहाँ दिन भर क्या दिनचर्या होती है देखते हैं। तो सबसे पहले महल के बाहर जो साहूकार और प्रजा होती है उनके कारोबार को देखते हैं। प्रजा में कुछ लोग पशुपालन का काम करते हैं, पशुओं में भी खास गाय होती है, तो गाय को चराना, उनकी देखभाल करना और फिर दूध को पुष्पक विमानों के माध्यम से महलों तक पहुंचाया जाता है। इसका बाबा ने मुरली में भी जिक्र किया है। पुष्पक विमानों के भी पार्किंग का महलों में एरिया होता है, वहां से जो सर्वेंट होते हैं वो दूध को लेकर किचन तक जाते हैं और फिर उस दूध से किचन में दूध की रेसिपी बनाई जाती है। किचन में सोलर सिस्टम होता है जिससे रेसिपी तैयार की जाती है। किसी को यदि क्वेश्चन हो कि वहाँ दूध नहीं होता या दूध के कोई रेसिपी नहीं बनती है, तो आप दादी की ये क्लास सुने। तो देवताएं दूध पीते हैं ना? दूध पीते हैं, दूध की नदियां है वहाँ यानी इतना है जो जैसे नदियां बहती है। तो वहाँ पर पकवान भी खाते होंगे, तली हुई चीजें? नहीं, तली हुई चीज नहीं है, बेकिंग का है, बेक की हुई चीज है और वहाँ सोलर सिस्टम है। इस क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप वहां से पूरी क्लास सुन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बगीचे की देखभाल करने वाले माली होते हैं वो बगीचे से रसदार फलों को तोड़कर उनको महलों तक पहुंचाया करते हैं। फलों में भी सभी प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं, खट्टा, मीठा या हमें जैसा स्वाद चाहिए वैसे फल बगीचे में होते हैं और उन फलों को पुष्पक विमानों के माध्यम से माली महलों तक लेकर जाते हैं। फिर वहां से सर्वेंट उन फलों को कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही जो राज्य में कपड़ों के कारोबारी होते हैं वो अपने कारखानों में वस्त्र तैयार करते हैं, उसमें भी राजा रानी, दास दासी, प्रजा, नौकर चाकर सभी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं और उनमें कीमती गहने और हीरे लगाए जाते हैं। ऐसे ही पुष्पक विमानों के कारखाने होते हैं जहां पर पुष्पक विमान तैयार किए जाते हैं। ये तो हो गई महल के बाहर साहूकार और प्रजा के कारोबार की बात। अब हम चलते हैं महल के अंदर, देखते हैं वहां क्या दिनचर्या होती है, वहां क्या कारोबार होता है। तो बच्चे सुबह सुबह पार्क में खेलने जाते हैं। हर एक राजा रानी के सिर्फ दो ही बच्चे होते हैं, उसमें भी एक प्रिंस और एक प्रिंसेस होती है, मतलब राजकुमार और राजकुमारी। बच्चे वहाँ पर चंचलता नहीं करते हैं, लेकिन हाँ रूहानियत होती है और बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। वे सभी आपस में मिलकर डांस करते हैं और जो भी संगीत वगैरह होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ऐसे ही जो सर्वेंट होते हैं महल के अंदर वो महलों की सफाई करते हैं, उसमें भी बाबा की मुरली में आता है कि झाड़ू पोछा करने वाले भी होते हैं। तो वहाँ पे सफाई का भी कारोबार चलता है, पर्दों की सेटिंग करना, खिड़की दरवाजों की सफाई करना, तो ये सब कारोबार वहाँ चलता है। फिर उसके बाद राजा रानी और बच्चे सभी मिलकर डाइनिंग में भोजन स्वीकार करते हैं। भोजन में भी फलों के और दूध के बनाए हुए पकवान होते हैं जिन्हें सभी मिलकर डाइनिंग में स्वीकार करते हैं। फिर महल में राज दरबार लगती है जहां पर राज्य के कारोबार की बातें होती हैं। इसके बाद शाम की जो संगीत संध्या होती है उसकी तैयारियां चलती हैं। उसमें जो दासियां होती हैं वो आपस में मिलकर रंगोली डालती हैं। रंगोली में भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद दीपक जलाए जाते हैं क्योंकि बाबा की मुरली में भी आता है वहाँ, जैसे कि हर दिन दिवाली होती है तो दीपक जलाए जाते हैं। बेडरूम्स को भी दीपकों की रोशनी से रोशन किया जाता है और वहाँ विशेष प्रकार की धातुएं होती हैं जो दीपकों की रोशनी को पूरे महल में रिफ्लेक्ट करती हैं। इससे वहाँ की रात भी रात नहीं लगती है,
लेकिन चांदनी रात भी दीपकों की रोशनी से पूरी रोशन हो जाती है, जैसे कि दिन ही हो रहा होता है। तो सभी मिलकर दीपक जलाते हैं, फिर सभी मिलकर संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। वहाँ डांस भी ऐसे स्पीड से नहीं होते हैं जो हम कलयुग में देखते हैं, लेकिन स्लो मोशन में होते हैं। और उनके स्टेप्स में भी, जो डांस के स्टेप्स होते हैं, उनमें एक रूहानियत होती है, उनमें एक सभ्यता दिखाई देती है। तो सभी को वहाँ पर डांस करना आता है, चाहे प्रिंस हो या प्रिंसेस हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस चैनल का नाम सूर्यवंशी प्रिंस इसलिए रखा गया है क्योंकि सतयुग में देवी देवता सूर्यवंशी घराने के होते हैं और उस घराने में भी प्रिंस सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात नंबर वन होता है, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। ओम शांति।